हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारे मन में कई बार एक सवाल आता है कि क्या बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स या फिर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स सीटेट दे सकते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीटेट जनवरी 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहेगा वही बात सच मानी जाएगी, बाकी तो लोगों की सिर्फ कहानियाँ हैं। आप लोगों को पता है कि सी टेट सी बी एस ई कनेक्ट कराता है, दो पेपर होते हैं, पेपर वन फॉर प्राइमरी टीचर यानी कि पहली से पाँचवीं क्लास के लिए, और दूसरा पेपर होता है छठवीं से आठवीं क्लास के लिए। तो दोनों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, और जो पहली से पाँचवीं और छठवीं से आठवीं के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं वही सी टेट देने के लिए भी एलिजिबल हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पॉइंट नंबर सिक्स देखिए, यहाँ लिखा है द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द सी टेट। और कौन कौन से लोग हैं वो, सीनियर सेकेंडरी यानी कि ट्वेल्थ कर रखा हो आप, अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि या तो पास कर चुके हों डिप्लोमा या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही बी एल एड वाले भी जो फोर ईयर का प्रोग्राम होता है, तो यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर, तो ये इसके लिए भी सेम है, या तो आपने कंप्लीट कर लिया हो कोर्स बी एल एड के लिए या फिर आपने फाइनल ईयर में पहुँच गए हो आप। कई जगह क्या होता है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कुछ और नाम से जानते हैं, जैसे यूपी में कहते हैं इसको बीटीसी, तो इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया बाय वट एवर नेम नोन, किसी भी नाम से जाना जाता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएलएड कोर्स होना चाहिए। अब एक सवाल और यहाँ उठता है कि क्या पहली से पाँचवीं क्लास तक के लिए बीएड वाले टीचर बन सकते हैं। देखो बिल्कुल बन सकते हैं, इनके नोटिफिकेशन में मेंशन है पहली से पाँचवीं प्राइमरी स्टेज के लिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बी एड है आपके पास, ग्रेजुएशन है तो आप बन सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है नीचे इन्होंने मेंशन किया, द पर्सन सो अपॉइंटेड एज अ टीचर सेल मैंडेटरली अंडरगो अ 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन 2 year ऑफ सच अपॉइंटमेंट। मतलब कि अगर कोई बी एड वाला पहली से पाँचवीं क्लास तक का प्राइमरी टीचर बन जाता है तब उसको अपॉइंट होने के 2 साल के अंदर अंदर एक कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो वो एलिजिबल होगा। आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, छठवीं से आठवीं के लिए, जिसको एलिमेंट्री स्टेज यहाँ पर बोला गया। देखिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएट हों आप और 2 साल का डीएलएड प्रोग्राम के अगर आप फाइनल ईयर में हैं या पास कर चुके हैं तो आप सीटेट दे सकते हैं, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ मेंशन है ग्रेजुएशन एंड बीएड, इन्होंने लिखा है पास्ट और अपियरिंग इन 1 year बैचलर इन एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए पहले बीएड 1 year का होता था, फिर 2 year का कर दिया था, अब दोबारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें दोबारा से बीएड को 1 year का किया जा रहा है। तो अगर आप पास हो चुके हैं या अपियर कर रहे हैं तो आप बीएड दे सकते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन में हो या फिर आपने अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट में किया हो, दोनों केस में आप एलिजिबल हैं। इन सब के अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है, और अब तो बीएससी बीएड या बीए बीएड कम्बाइंड होने वाला है, पूरा प्रोग्राम होगा एक, तो वो भी आपने किया है उसके फाइनल ईयर में है या कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों केस में आप एलिजिबल हैं। इस नोटिफिकेशन में कहीं आपको ये नहीं दिख रहा है कि बी एड सेकेंड ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, डी एल एड सेकेंड ईयर का तो मेंशन किया है। देखिए जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं और जो पिछले बार लोगों ने बी एड सेकेंड ईयर वालों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसे क्लियर है कि अगर आप बी एड सेकेंड ईयर में हैं यानी कि अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बी एड, तब भी आप सी टेट के लिए एलिजिबल हैं, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन मत रखिए, आप सी टेट दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। जय हिंद।